ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए कमाल का वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे किस तरीके से आप लोग अपने स्मार्टफोन में बहुत ही अमेजिंग चार्जिंग एनिमेशंस ऐड कर सकते हो, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। किस तरीके से आप लोग नेटफ्लिक्स हैक कर सकते हो, साथ ही गाइस यहां पर आप लोग अपने फोन में आने वाले एड्स को रोक सकते हो एंड और भी बहुत कुछ। क्योंकि गाइस ये वाला जो वीडियो है वो टॉप 5 एप्लीकेशंस का होने वाला है एंड 5 कड़क एप्लीकेशन देने वाले हो आप लोग को। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर जो नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं ऐसे ही एप्स रिव्यूज के वीडियोस लेकर आता रहता हूं। सो हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य YouTube चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन की। तो गाइस ये वाले एप्लीकेशंस की हेल्प से आप लोग अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में आने वाले एड्स को रोक सकते हो काफी हद तक। मतलब ऐसा नहीं कि सारे एड्स हट जाएंगे, बट हाँ, जैसे कि आप लोग काफी सारे एप्लीकेशंस यूज करते हो तो उसमें काफी सारे एड्स देखने को मिलता है। जैसे कि देखो, मैं ये वाला पिक्सल लैब एप्लीकेशन यूज करता हूँ अपने थंबनेल्स वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं जब एक्सपोर्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि एड्स शो कर देता है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा। तो इस चीज को अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नेम है पर्सनल DNS फिल्टर एंड इसको ओपन करने के बाद कुछ परमिशंस वगैरह को अलाउ कर देना है। एंड ऐप का इंटरफेस देख ही सकते हो काफी सिंपल सा है एंड यहाँ पर बस आप लोग को क्या करना है, इसके कनेक्शन वगैरह को सारे को इनेबल कर देना है, जैसे कि इनेबल ब्लॉकिंग है एंड ऑटो स्टार्ट यहाँ पर इनेबल है। बाकी नीचे आप लोग देख सकते हो कुछ कुछ लिखा उखा आ रहा है, तो वो सारी चीजें जो कि भी है कि जो कि एड्स वगैरह को रोकती है वो सारी चीजें वहाँ पर देखने को मिलती है। ऊपर मैं आप लोग को नोटिफिकेशन पैनल पर भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। तो अब दोबारा से मैं जाता हूँ पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे एंड यहाँ पर मैं फोटो को एक्सपोर्ट करता हूँ, तो देख सकते हो इस बार यहाँ पर जो है एड नहीं आया। एंड दूसरी बात गाइस, यहाँ पर मैं आप लोग को और एक टेस्टिंग करके दिखा, तो आप लोग को पता ही होगा कि जेज वॉलपेपर जो एक एप्लीकेशन है वहां पर आप लोग को अच्छे अच्छे वॉलपेपर देखने को मिलते हैं, वहां पर गाइस एड्स काफी ज्यादा आता है। तो अभी यहां पर देखो, मैं इसको जब इनेबल करके यहां पर स्क्रॉल कर रहा हूं वॉलपेपर्स को, तो यहां पर एक भी एड्स मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। देख सकते हो काफी ज्यादा मैंने इस साइड स्क्रॉल कर दिया है लेफ्ट साइड एंड यहां पर मिडिल में जो एड्स देखने को मिलता था वो हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा। तो ये वाला एप्लीकेशन काफी ज्यादा काम का हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग भी एड्स से काफी ज्यादा इरिटेट हो चुके हो। तो अगला जो एप्लीकेशन है गाइस, वो वॉलपेपर्स लवर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को काफी अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। एप्लीकेशन का नेम है हुना वॉलपेपर एंड आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में ना काफी ज्यादा एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि एक लाइव वॉलपेपर देखने को मिल रहा था, तो वो वॉलपेपर्स भी आप लोग को इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को जैसे आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता है एंड होम वाले जो सेक्शन है वहां पर आप लोग को काफी अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। एंड सारे वॉलपेपर्स की क्वालिटी ना, मतलब 2K तक के वॉलपेपर, 4K तक के वॉलपेपर यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पर एक सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है वीडियो का एंड अगर इसमें जाते हो ना गाइस, तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को अमेजिंग टाइप के वीडियो वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख ही पा रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है गाइस ये वाला। एंड नीचे स्क्रॉल भी करोगे तो ये स्मोक वाला देख सकते हो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है एंड उसके नीचे एक ये हैकिंग टाइप वाला है, ये भी दिखने में ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एंड मेरा जो फोन है एमोलेड डिस्प्ले है तो इस पर तो और भी ज्यादा निखर के आता है ये वाला वॉलपेपर। एंड ये वाला जो एक थोड़ा सा आप लोग मशीन टाइप का देख रहे हो, ये वाला वॉलपेपर काफी ज्यादा वायरल हुआ था एक टाइम पे रील्स पे। साथ ही गाइस यहाँ पर डबल वाला सेक्शन भी मिल जाता, तो यहाँ पर क्या होगा कि डबल वॉलपेपर देखने को मिलेगा। देख सकते हो एक लॉक स्क्रीन पे भी आप लोगों का वॉलपेपर रहेगा और एक जो है मेन होम स्क्रीन पे भी रहेगा। तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर ये खुद ही देखने को आप लोगों को मिल जाता है कि लॉक अपने से खुला एंड अंदर का एक वॉलपेपर है, तो ये भी काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे। साथ ही गाइस यहाँ पर पैरालक्स का एक ऑप्शन मिल जाता, तो इसमें भी काफी सारे ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल जाते जो कि आप लोगों को पसंद आएंगे। एक्सक्लूसिव करके एक आप लोगों को सेक्शन देखने को मिल जाता है एंड उसके साथ ही स्ट्रीम करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मुझे नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, यहाँ पर कैसे वॉलपेपर शो होते हैं, बट हाँ आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पर आप लोग को जो है डेली लाइव वॉलपेपर देखने का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप लोग इसको इनेबल कर देते हो एंड सेटिंग्स वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर भी कुछ कुछ ऑप्शन से आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब बात करते हैं एप्लीकेशन में वॉलपेपर को आप लोग कैसे सेट कर सकते हो, तो जो भी वॉलपेपर आप लोग को पसंद आता है उस पर तो सिंपली से पहले क्लिक करना है, साइड में आप लोग को डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाएगा एंड उसके बगल में एक सेट वॉलपेपर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, ओरिजिनल। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ओरिजिनल में इसको डाउनलोड करना, तो मैंने क्लिक कर दिया, अभी डाउनलोड हो चुका है एंड यहाँ पर देखो ऐसा कुछ आ चुका है। उसके बाद आप लोग को फिक्स्ड वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है, उसका टिक पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन बोथ जो करना है आप लोग कर दो एंड उसके बाद आप लोग का वॉलपेपर जो है यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो गाइज आई होप आप लोग को ये वाला वॉलपेपर पसंद आएगा। वीडियो वॉलपेपर तो यार जरूर से यूज करना, आप लोगों को पसंद 100% आने वाला है। अब बात करते हैं गाइज नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसमें आप लोग को काफी सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। एप्लीकेशन एक है लेकिन गाइज इसके अंदर आप लोग को 8-9 फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली गाइज ये जो एप्लीकेशन है वो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए काफी ज्यादा काम में आने वाला है। एप्लीकेशन का नेम है WA टूल बॉक्स। जैसे आप लोग
ओपन करते हो तो यहाँ पर आप लोग को काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि व्यू डिलीटेड मैसेज है। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखते हो एंड सामने वाला बंदा कभी भी मैसेज भेज कर डिलीट कर देता है तो वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको आप लोग को सिंपली से इनेबल वगैरह करना होगा। खैर उसके बाद आप लोग को एक स्टेटस सेवर का ऑप्शन मिलता है, उस पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी स्टेटस वगैरह मैंने सेव वगैरह किए हैं रिसेंट एंड सेव वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही कैसे यहाँ पर व्हाट्सअप वेब का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक करना है एंड आप लोग जो है किसी के भी व्हाट्सअप को अपने फोन में जो है यहाँ पर लॉग इन कर सकते हो। साथ ही कैसे यहाँ पर आप लोग को और भी ऑप्शन देखने को मिलता है, ऐसे व्हाट्सअप क्लीनर का, ये खैर कोई उतना खास फीचर है नहीं। वॉक एंड चैट का एक फीचर आप लोग को देखने को मिलता है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है। देखो क्या करता हूँ मैं, तो आप लोग को सिंपली से वॉक एंड चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन को आप लोग को यहाँ पर इनेबल करना होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली से अलाउ वगैरह कर देता हूँ। इसको इनेबल करने के बाद गाइस आप लोग को बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर देखो मेरा डब्ल्यू ए बॉक्स के नीचे नॉट वर्किंग का एक ऑप्शन आ चुका है, तो मैं फिर से इसी पर क्लिक करूंगा। कभी कभी ये वर्क नहीं करता तो इसको डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद गाइस आप लोग को फिर से इसको इनेबल कर देना है एंड इसको इनेबल करने के बाद देखो अभी यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। अब अगर मैं बैक करता हूँ एंड उसके बाद ऊपर एक बटन देखने को मिल रहा है इनेबल का, इसको मैं इनेबल कर दिया एंड देन गाइस आप लोग को ओपन व्हाट्सएप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक देखो अभी यहाँ पर जो है ये बैकग्राउंड इनेबल हो चुका है एंड दिखने में गाइस देख सकते हो अभी मैं इधर उधर कर रहा हूँ तो देख सकते हो पीछे की चीज़ें जो है दिखाई दे रही है। एंड अगर मैं किसी चैट को भी ओपन करता हूँ तो चैट में मैं यहाँ पर जो है बात बात करते करते जो है यहाँ पर जो है मैं अगर रोड वगैरह पे चल रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे नीचे की चीज़ें दिखाई देंगी एंड मैं गिरूंगा नहीं। एंड इस एप्लीकेशन का गाइस सबसे खतरनाक वाला फीचर है जो कि है सेक टू ओपन का। इसको अगर आप लोग इनेबल कर देते हो ना, उसके बाद देखो मैंने इनेबल तो कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं अपने फ़ोन को इस तरीके से सेक करता हूँ तो मेरा जो है व्हाट्सअप ओपन हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर लगा। बाकी एक नीचे गैलरी का ऑप्शन है तो खैर वो कोई इतने ज़्यादा काम का नहीं है, बट गाइस एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसमें काफ़ी सारे आप लोग को फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये वाला तो गाइस एप्लीकेशन ज़रूर से डाउनलोड करना, मैंने जब से डाउनलोड किया अभी तक मैंने इसे डिलीट नहीं किया यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर्स है इसके लिए। अब बात करते गाइस अपने फोर्थ एप्लीकेशन की, तो इसकी हेल्प से आप लोग अपने स्मार्टफोन में काफ़ी अमेजिंग टाइप के चार्जिंग एनिमेशन सेट कर सकते हो। एप्लीकेशन का नेम है बैटरी चार्जिंग एनिमेशन। ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का फेस देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग को टैप टू स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलेगा डिफॉल्ट एनिमेशन का, तो इस पे क्लिक करना है। तो देख सकते हो आप लोग को इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसको आप लोग अपने फोन में सेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे देखो ये वाला सेट करना है तो मैंने इसको यहाँ पर से क्लिक कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पर से ये सेट हो चुका है। उसके बाद गाइस अगर मैं यहाँ पर अपने फोन को चार्ज में लगाता हूँ तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का चार्जिंग एनिमेशन मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर एक बबल एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है, उस पर अगर आप लोग टिक करते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का बबल टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो मैं इसमें से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर चार्जिंग जैसे ही लगाया तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है इनेबल डिसेबल द फोटो सर्विस, ये वाला। तो इसको अगर आप लोग यहाँ पर से इनेबल कर सकते हो तो अपने फोटो को यहाँ पर आप लोग सेट कर सकते हो। सिंपली से अपने एल्बम वगैरह में जाओ, जो भी फोटो सेट करना है उसको सेलेक्ट कर लो एंड सेलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर जो है सारी चीज़ें क्रॉप वगैरह कर लेनी है, उसको टिक मार्क पर क्लिक कर देना है एंड देन दोबारा से टिक मार्क पर क्लिक कर देना है, तो आप लोग को कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोग को जो है यहाँ पर चार्जिंग पे लगा के दिखाता हूँ। देख सकते हो इस तरीके का इफेक्ट चार्जिंग में लगाने के बाद आ चुका है, तो आप लोग अपने फोटो वगैरह को भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब बात करते हैं गाइस अपने फिफ्थ एप्लीकेशन की, जिसका काफी लोग वेट कर रहे होंगे, नेटफ्लिक्स है। यानी गाइस हम लोग जो है नेटफ्लिक्स का तो अकाउंट लेते नहीं है, लेकिन हम लोग को चाहिए होता है कि हाँ ये वाला वेब सीरीज आया, फिर ये वाला मूवी आया, तो वो फ्री में देखना रहता है। तो गाइस आप लोग इस एप्लीकेशन में फ्री में देख सकते हो। सिंपली से एप्लीकेशन को ओपन करो एंड ओपन करने के बाद जो एप्लीकेशन का जो नेम है ना वो है नेटफ्लिक्स S4 ऐसे कुछ करके है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो काफ़ी सारे आप लोग को मूवीज़ वगैरह टीवी शोज़ एंड ऑल देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग को जो है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में आप लोग को यहाँ पर प्ले करने का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेक्शन की तो देखो डिस्कवर सेक्शन है, उसके बाद यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ट्रेंडिंग पॉपुलर टॉप रेटेड इतने सारे ऑप्शन से आप लोग जो भी चाहते हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर अगर कोई मूवी या फिर कोई टीवी शो नहीं मिल रहा तो ऊपर आप लोग सर्च बार में जाके उसको टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद वो वाली मूवी या वेब सीरीज़ आ जाएगी, उसके बाद आप लोग सिंपली उस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद अगर देखना है तो यहाँ पर देखो सीजन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैंने क्लिक किया, उसका सीजन 1 या जो भी है उस पर मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर प्ले का एक आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया। आप लोग यहाँ पर इसके रेजोल्यूशन को भी सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग एंड देन यहाँ पर आप लोग देखो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, हल्का सा लोडिंग लेता है। बाकी यहाँ पर क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को काफी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, तो काफी ज्यादा बढ़िया एप्लीकेशन है ये भी। बाकी खुद से डाउनलोड करो यार और एक्सप्लोर करो एंड आप लोगों के पास भी अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा एंड अगर वीडियो पसंद आता है
वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, काफ़ी मेहनत से ढूंढ कर लाता हूँ एप्लीकेशंस, तो एक लाइक तो जरूर कर देना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर सारी को रिप्लाई दे देता हूँ, या फिर पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी सारी को रिप्लाई दे देता हूँ। और हाँ, सारे एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर से आप लोग इजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।